जैसे ही होली आती है पिचकारी और गुलाल हर किसी के घर में पाए जाते हैं और होली के दिन तो किसी के भी चेहरे पहचानने में नहीं आते। कोई भी रास्ते पे जाते वक्त उस पर पानी या गुलाल उड़ा देते हैं और फिर कहते हैं बुरा मत मानो होली है। तो ये तो हो गए मजे, पर उसके बाद में जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही पेनफुल होते हैं, स्किन इरिटेशन, हेयर फॉल प्रॉब्लम्स या आई इंजरीज। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे टिप्स और तरीके जिससे आप अपना ख्याल रख सकते हैं। पर दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्काई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए पहले जानते हैं कि क्या होता है होली में। जो रंग यूज करते हैं वो हार्मफुल केमिकल्स या टॉक्सिक से बनते हैं जिससे आपको स्किन प्रॉब्लम्स या इंजरीज होती है। कलर इंजन ऑयल से बनाया जाता है और बहुत ही चीप या कम दाम में बिकता है, इसीलिए आपको ध्यान से कलर्स खरीदने चाहिए। तो पहले देखते हैं कि होली खेलने से पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अपने बॉडी पर मस्टर्ड ऑयल या कोई भी मॉइस्चराइजर या एटलीस्ट सनस्क्रीन लगाकर निकलिए ताकि नहाते वक्त कलर आसानी से निकल जाए। बालों को ग्रीस करें ऑयल लगा के ताकि आपके स्कैल्प को कलर सीधे से ना लगे। जब भी आपको गुलाल लगाया जा रहा है तो मुंह बंद कर लीजिए ताकि आपके टीथ में कलर ना लगे। फुल स्लीव्स एंड लॉन्ग पैंट्स या सलवार पहने ताकि आपके बॉडी पर कलर कम लगे एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ना हो आपकी स्किन से। आपकी आंखें बंद रखें कलर्स लगाते वक्त और लेंस ना पहने। अगर हो सके तो गॉगल्स पहने ताकि कलर्स आपकी आंखों में ना जाए। होली खेलने के बाद रात में सोने से पहले मॉइस्चराइजर या ऑयल लगाएं क्योंकि स्किन डर्टी हो जाती है कलर्स की वजह से। अपने नेल्स का ख्याल रखना भूलना नहीं। होली खेलने जाने से पहले नेल्स पर ट्रांसपेरेंट या प्लेन पेंट लगाकर जरूर जाइए। बच्चों को ज्यादा करके पानी से खेलने ना दें। कलर्स बच्चों के स्किन के लिए बहुत हार्मफुल साबित हो सकते हैं। अपने आसपास का ख्याल रखें, जैसे कि कोई जानवर या कोई कीमती चीज को नुकसान ना पहुंचे। तो दोस्तों, ये थे कुछ सेफ होली खेलने के टिप्स और प्रिकॉशंस। अगर आपके पास भी इससे जुड़ी कोई जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।